ये दोस्त पूछ रहे हैं कि इन्होंने नेपाली फूड रेस्टोरेंट ओपन करना है, पूछना चाह रहे हैं कि इसमें कॉस्ट क्या आएगी और इसका बजट ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए। भाई देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अरेबिक रेस्टोरेंट बनाएं, पंजाबी रेस्टोरेंट बनाएं या नेपाली बनाएं, चार्जेस और प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप अंदर सर्व क्या करेंगे, ये आपकी चॉइस होती है। ठीक है, लाइसेंस के लिए जेन में रखिए 15 से 20 हज़ार दिरहम। मैं नहीं जानता अभी आप कितने पार्टनर्स हैं, क्या क्या करेंगे, लेकिन एक आइडिया देने के लिए 15 से 20 हज़ार दिरहम ये जेन में रखें। उसके बाद बारी आ गई शॉप की, यानी जहां पर आप रेस्टोरेंट बनाएंगे। जहां रेस्टोरेंट बनाएंगे ऑफकोर्स उसकी जगह आप 1,000 स्क्वेयर फिट के करीब करीब तो लेंगे, और अगर आप ये जगह दुबई में लेते हैं तो आपके पास कुछ नहीं तो कम से कम जो बजट है ना रेस्टोरेंट का, वो 3 से 4 लाख दिरहम मिनिमम। मैं बिल्कुल बॉटम लाइन आपको बता रहा हूँ, एक रेस्टोरेंट बनाने के लिए इतना बजट आपके पास जरूर होना चाहिए। उसमें भी बनाते वक्त आपको 50 एक रेस्टोरेंट बनाने के लिए इतना बजट आपके पास जरूर होना चाहिए। उसमें भी बनाते वक्त आपको 50 चीज़ें अच्छे से देखना है कि वहाँ पर जो आप जगह ले रहे हैं, क्या वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है नहीं है वहाँ पे, मतलब आपको क्योंकि वहाँ किचन बनाना है, वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर और कनोपी वगैरह ये सारे मामलात तो वहाँ पर आपको देखने पड़ते हैं। तो इसके लिए अगर बजट कम होगा तो यकीनन आप परेशान हो जाएंगे। मेरा नाम है ताहिर, आप देख रहे हैं दुबई बिजनेस एडवाइस चैनल। कोई भी सवाल हो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं।